हेलो दोस्तों, मैं हूं रुपेश और आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं इस फ्रेम में, जो गाड़ी है वो मारुति सुजुकी नेक्सा के ओर से ये बलेनो डेल्टा है। ये आपका बेस से एक ऊपर है, ये डेल्टा वेरिएंट है। तो भाई अगर इस गाड़ी का देखते हैं, काफ़ी सही लगता है भाई देखने में। मतलब पिछला बलेनो से ये जो अपग्रेड हुआ है अच्छा लगता है देखने में। तो चलिए हम जानते हैं इस गाड़ी का जो अभी यहाँ पे धनबाद सिटी में जो प्राइस है वो एक शोरूम पड़ जाता है 7,33,000 और ऑन रोड की अगर बात करते हैं तो 8,61,000 आपका ऑन रोड पड़ जाता है। तो आप सब जानते ही हैं भाई, जो पिछला हमारा बलेनो था उसमें एवरेज को लेके बहुत ये था कि भाई गाड़ी एवरेज सही देती है। तो इस बार भी वही है कि आपका जो एवरेज है वो कंपनी जो क्लेम कर रही है वो 22 की क्लेम कर रही है। तो चलिए अगर हम सामने से इस गाड़ी के बारे में जानते हैं, जानकारी लेते हैं, तो इस गाड़ी की जो डायमेंशन है वो 3990 आपकी पूरी ओवरऑल लेंथ है इस गाड़ी का। और चौड़ाई अगर देखते हैं तो चौड़ाई आपका 1745 है। और भाई ये गाड़ी आपका हैचबैक है। और हाइट की अगर हम बात करते हैं तो हाइट है इसका 1500 mm का, ठीक है। और इस गाड़ी का व्हील बेस भी भाई सही है, 2520 mm का है, तो अंदर में आपको स्पेस की कमी नहीं होगी। तो चलिए कुछ गाड़ी का फ्रंट लुक ऐसा है, देख सकते हैं ये गाड़ी का पूरा फ्रंट व्यू। इसमें भाई अगर यहाँ देखते हैं तो आपका प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे कोई फॉग लैम्प वगैरह नहीं आते हैं, आप एसेसरीज पे फॉग लैम्प लगवा सकते हैं। और अब इसमें जो क्रोम देख रहे हैं आपका, ये क्रोम भी एसेसरीज का पार्ट है, ठीक है। और ये पूरा इधर सामने से इसका ग्रिल, यहाँ पे सुजुकी का लोगो। और अगर भाई इधर की बात करते हैं ऊपर में, तो यहाँ पे आपको दो वाइपर मिल जा रहे हैं। साइड से अगर गाड़ी को देखते हैं कुछ ऐसा इसका पूरा व्यू है। तो चलिए व्हील साइज़ हम देख लेते हैं, आपको इसमें स्टील रिम ही मिल रहा है। और व्हील साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो देखिए 185/65R15 है। और ये आपका स्टील में मिल रहा है, आगे आपका डिस्क है, पीछे ड्रम है। और यहाँ पे ये क्रोम की बैजिंग, इधर से देखते हैं कुछ ऐसा पूरा इसका व्यू है। ये आपका ORVM, इसी पे आपको टर्न इंडिकेटर कंट्रोल मिल जा रहे हैं। और आपका ये जो क्रोम की जो पट्टी है ये आपका एसेसरीज में इंस्टॉल है। इधर देख सकते हैं ये आपका क्रोम डोर हैंडल, इससे आपको रिक्वेस्ट सेंसर बटन वगैरह नहीं मिलते हैं। और पीछे का कुछ ऐसा है। और भाई ऊपर में देखते हैं तो आपका ऊपर में ये एंटीना, FM एंटीना दिया हुआ है। तो चलिए पीछे से देखते हैं पूरा का व्यू, पीछे से देखिए कुछ ऐसा व्यू है भाई। इसकी लाइट ही तो लाजवाब लगती है यार पीछे से देखने में। तो पहले लाइट हम ऑन कर लेते हैं, पार्किंग में डाल लेते हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए कुछ ऐसा इसका लाइट का रिफ्लेक्शन है। ये पूरा व्यू है पीछे का भाई, यहाँ पे सुजुकी की लोगो मिल जाती है, यहाँ पे क्रोम की बीडिंग, यहाँ बलेनो का भाई, इसमें वेरिएंट वगैरह की बैजिंग नहीं आती है। इसमें देखिए आपका डिफॉगर दिया हुआ है, बस वाइपर की कमी है। यहाँ पे नेक्सा का बैजिंग, ऊपर में देखते हैं तो हाई माउंट स्टॉप लैंप दिया हुआ है। पीछे में आपको 4 पॉइंट रियर पार्किंग सेंसर मिल जा रहा है। इसमें कैमरा वगैरह नहीं आते है भाई। तो ये हो गई भाई पूरी गाड़ी के वॉक अराउंड। और यहाँ से आप फ्यूल फिल कर सकते हैं, अंदर से ही आपके ओपन हो जाएंगे। तो चलिए अंदर चल के बात करते हैं क्या कुछ इस गाड़ी में दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो भाई इसका ड्राइवर साइड का डोर खोलते हैं तो डोर कुछ पूरा कुछ डोर का लुक ऐसा है, देख सकते हैं। ये आपका भाई पूरा डुअल टोन फिनिश दिया हुआ, ये ब्लैक एंड ये ब्लू, ये पूरा सॉफ्ट टच है। ये आपका प्लास्टिक पार्ट है, ठीक है। और यहाँ देखते हैं तो ये आपका लॉक अनलॉक का डोर हैंडल, नीचे में आपको पावर विंडो के कंट्रोल्स, और यहाँ पे ORVM के फोल्ड अनफोल्ड के लिए। और ये आपका लेफ्ट राइट करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं ORVM का जो एडजस्टमेंट है वो। ड्राइवर साइड का अगर देखते हैं तो ये ऑटो डाउन ऑटो अप है, ठीक है। नीचे में आपका 1 लीटर का बॉटल होल्डर, और इधर थोड़ी बहुत स्पेस। ये आपका स्पीकर ग्रिल, इसमें आपको 4 स्पीकर मिल जा रहे हैं, ट्विटर्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। और भाई अगर इधर अंदर में देखते हैं तो अंदर में आपको यहाँ से आप सीट को रिक्लाइन कर सकते हैं,
हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलता है इसमें, और यहाँ से आप सीट को आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे आपका ABC पैडल, और भाई बताना चाहूँगा ये जो लाइट है आप एसेसरीज़ के तौर पे ये इंस्टॉल है, और यहाँ से ये पुल करते हैं तो आपका फ्यूल लिड ओपन हो जाएगा, और यहाँ से आप बोनट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ कॉइन वगैरह रखने के लिए थोड़ी बहुत स्पेस है रखने के लिए, और यहाँ से हेडलाइट लेवलर आपका स्विच। तो भाई बैठा जाए अंदर और बात किया जाए, तो इसको बंद कर लेते हैं और भाई दिखाते हैं फिर आपको ये चाबी, इसमें चाबी कैसे मिल रही है। देखिए आपका दो चाबी, दोनों स्मार्ट की है। देखिए इसमें से आपको लॉक अनलॉक मिलते हैं, वही ओल्ड स्कूल जो मारुति का चला हुआ आ रहा चाबी, सेम कोई चेंजेस नहीं है भाई चाबी में। तो इसको पहले हम लगा लेते हैं, और भाई बाहर में गर्मी ज़बरदस्त है तो गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं। भाई इंजन काफ़ी रिफाइन कर दी गई है पहले से, ये चीज़ सही है। AC का ब्लोअर कम करते हैं, और भाई देखते हैं ये आपका स्टीयरिंग टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। ये आपका पूरा स्टीयरिंग का व्यू, यहाँ पे देखते हैं तो आपको इंफोटेनमेंट कंट्रोल करने के लिए ये बटन्स, यहाँ से कनेक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए, इस पर आपको कोई कंट्रोल्स नहीं मिलते हैं। इधर देखते हैं तो आपका हेडलाइट लेवलर स्विच, और आपका ये वाइपर्स के कंट्रोल्स देख सकते हैं। और चलिए आते हैं अपने MID पे। तो भाई MID में कुछ यहाँ पे देख सकते हैं, इधर आपका RPM है, इधर आपका स्पीडोमीटर है, और यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं अपने इंफॉर्मेशन को। यहाँ से एवरेज शो कर रहा, ये रेंज शो कर रहा, और अगर इधर हम दबाते हैं तो यहाँ से आप ट्रिप ए ट्रिप बी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑडोमीटर आपका टोटल किलोमीटर शो कर रहा है, नीचे में फ्यूल गेज, और यहाँ पे वार्निंग लाइट्स। तो ये आपका पूरा कुछ ऐसा डैशबोर्ड का पूरा व्यू है। तो भाई इधर देखते हो तो आपका एक AC वेंट, और यहाँ पे सिल्वर इंसर्ट्स, और यहाँ पे कार्बन पूरा ये है देख सकते हैं, कार्बन इसमें जो दिए गए हैं वो अच्छे लग रहे हैं देखने में। आपका वो आउटडोर टेम्परेचर सेंसर है इसमें, देखिए यहाँ पे शो कर रहा है ऊपर में, और ये पूरा प्लास्टिक है। यह देखते हैं तो आपका ये 7 इंच का इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले वगैरह जैसे फीचर्स नहीं मिलते हैं। ब्लूटूथ ऑक्स नहीं है इसमें, सिर्फ USB दिया गया है, ठीक है। नीचे में आते हैं, देखिए आपका ये हज़ार्ड का बटन नीचे में। आपको एक चीज़ भाई इस गाड़ी में बलेनो में बढ़िया लगी है कि आपका बेस हो या टॉप हो सब में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया हुआ है, ठीक है, देख सकते हैं। और नीचे में देखते हैं तो भाई यहाँ पे कोई भी 12 वोल्ट का सॉकेट, और यहाँ पे सिर्फ USB का ऑक्स का नहीं है। इसमें दो कप होल्डर मिल जा रहे हैं, यहाँ पे 5-स्पीड गियर बॉक्स, इसमें आपका ऑटोमेटिक भी आता है बट उसमें बहुत सारे लैग आ रहे हैं, कि मतलब आपका जो AMT गियर बॉक्स दिया हुआ है उसमें थोड़े बहुत लैग हैं, जिस वजह से ऑटोमेटिक सेल बहुत कम हो रही है, मैनुअल पे ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं लोग। यहाँ पर आपका हैंड ब्रेक, इसमें आर्म रेस्ट वगैरह नहीं आते हैं, यहाँ पे थोड़ी बहुत स्पेस, और देख सकते हैं कुछ ऐसा इसका पूरा, इसमें आपको एडजस्टेबल हेड रेस्ट मिल जाता है। और इधर देखते हैं तो भाई ऊपर में आपका डे नाइट ORVM, ये आपका LED जो कैबिन लाइट है वो आपका हेलोजन में दिया हुआ है, और माइक इसी के अंदर में प्लेसमेंट है यहाँ पे। सनसेट की अगर बात करें तो इसमें आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है, लाइट नहीं मिलते हैं। ड्राइवर साइड की अगर देखते हैं तो इसमें भी आपको मिरर नहीं मिलते हैं। ये आपका इसमें 3 हैंडल दिया हुआ है, पोर्टहोल हैंडल। इधर आते हैं तो ये ग्लव बॉक्स कुछ ऐसा इधर है, तो चलते हैं पीछे अब बात करते हैं। ऐसा कुछ भी हुआ है भाई आपका पीछे रियर डोर का, इस पर आपको लॉक अनलॉक के यहाँ से हैंडल मिल जा रहे हैं, यहाँ पावर विंडो के कंट्रोल्स, और इधर भी आपको पूरा सॉफ्ट टच वही ब्लैक और ब्लू में। ये देख सकते हैं यहाँ पे 1 लीटर का बॉटल होल्डर, इधर पे थोड़ी बहुत स्पेस, यहाँ पे स्पीकर ग्रिल। और भाई सही बताऊँ तो आप अगर सामने से देखते हैं तो ये सही लगता है देखने में,
कैमरा में आप उतना जज नहीं कर सकते हैं। और कुछ इधर का अंदर का पूरा व्यू। सीट पे आपको इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट मिल रहा है, आर्म रेस्ट नहीं दिए गए हैं, और ये आपका सीट बेंच फोल्डिंग है, ठीक है, कुछ ऐसा पूरा है। और भाई सीट को मैंने पूरा पीछे करके रखा है, फिर भी अच्छा खासा इसमें स्पेस बच जा रहा है, मतलब तीन लोग भी आराम से बैठ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे भाई आपको रियर एसी वेंट वगैरह नहीं मिलते हैं, और यहाँ 12 वोल्ट का पावर सॉकेट है, और कुछ ये। चलिए बूट ओपन करते हैं, देखते हैं भाई। यहाँ पे एक आपका कैबिन लैंप दिया हुआ है बीच में, आप बूट ओपन करके देख लेते हैं क्या कुछ बूट में हमें मिल जाता है। तो भाई ये रहा पूरा बूट का व्यू। यहाँ से ये आपका पार्सल ट्रे, जो कि साथ में ही दिए जा रहे हैं, एक्सेसरीज में नहीं लगवाने होंगे, और इसमें भाई कोई भी बूट लैंप वगैरह नहीं मिलते हैं। अगर हम स्पेयर व्हील की बात करें तो स्पेयर व्हील आपको सेम साइज़ मिल रहा है, 185/65 R15। ये बढ़िया है भाई। तो इसी के साथ इसको बंद करते हैं, और बताना चाहूँगा भाई अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और भी इस तरह के नए वीडियोस के अपडेट पाने के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। फिर मिलते हैं दूसरे किसी नए वीडियो के साथ।